रामलाल दीनू सुखिया और सतिया गांव के एक सूखे पेड़ के नीचे बैठे हुए बातें कर रहे थे। अरे भाई, इस बार की गर्मी ने तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। सही कहा रामलाल भाई, सूरज आग उगल रहा है। इतनी भीषण गर्मी मैंने अपने जीवन में आज तक नहीं देखी भाई। पंखे लू फेंक रहे हैं और कूलर काम नहीं कर रहे हैं। मेरा तो प्यास के मारे बुरा हाल हो रहा है। चलो चलकर पानी पीते हैं, थोड़ी राहत मिल जाएगी। रामलाल दीनू सुखिया और सतिया अपने गांव में बने हुए एक कुएं के पास चल दिए। तभी उनकी नजर कुएं के नजदीक खड़ी हुई रामवती पर पड़ी। क्या हुआ रामवती, अरे कुएं को काहे घूरे जा रही हो? अरे तीन बार बाल्टी डाल चुकी हूँ लेकिन कुएं में से पानी नहीं निकल रहा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? सुखिया ने जैसे ही कुएं के अंदर झांका वो चिल्लाते हुए बोला, अरे एक कुएं का पानी सूख गया है। अरे तो इसमें चीखने की क्या बात है, दूसरा कुआं भी है, चलो वहाँ चलकर पानी पीते हैं। वो चारों दूसरे कुएं की ओर चले गए। मगर जैसे ही वो दूसरे कुएं में पहुँचे अचानक एक आग का गोला आकर कुएं के अंदर गिर गया और तेज धमाके के साथ कुएं का पानी सूख गया। ये देखकर वो सभी बुरी तरह से डर गए। वो चारों दौड़ते हुए गांव में पहुँचे। गांव का मुखिया हीरा लाल उनसे बोला, अरे क्या हुआ, तुम चारों इतने घबराए हुए क्यों हो? दीनू कांपते हुए आंखों देखा हाल मुखिया को बताने लगा। तभी एक घर से एक स्त्री चीखती हुई बाहर निकलकर बोली, हे राम जी, ये क्या हो रहा है, मेरे बच्चे 3 घंटे से प्यासे हैं। मैं घड़े से पानी निकाल रही थी कि अचानक एक आग का गोला घड़े में गिर गया और पानी सूख गया। तभी दूसरे घर से एक स्त्री रोती हुई निकलकर बोली, अरे मेरे घर का भी सारा पानी सूख गया है, ऐसे तो हम प्यासे मर जाएंगे। कुछ देर में सारे गांव की स्त्रियां और पुरुष रोते हुए अपने घरों से बाहर निकल आए। उन सभी ने बताया कि उनके घर में जहां जहां पानी रखा हुआ है वहां वहां आग के गोले गिर रहे हैं। तभी दौड़ता हुआ वीरू आकर बोला, हमारे गांव का जो तालाब था वो सूख गया। सूख गया? अरे कैसे सूख गया? मैं तालाब का पानी पीने के लिए जैसे ही तालाब के पास गया अचानक सूरज से एक आग का गोला आकर तालाब में गिर गया और तालाब का पानी सूख गया। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे गांव में, ऐसे तो हम सब गांव वाले प्यासे मर जाएंगे। तभी एक साधु वहां आकर बोला, तुम सब गांव वालों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, तुमको जीने का कोई अधिकार भी नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें वो विधवा गर्भवती चंपा और उसकी 5 वर्षीय बेटी आरती तो याद है ना? साधु की बात सुनकर वो सभी बुरी तरह से चौंक पड़े। उन सभी की आंखों के सामने कुछ पुराने दृश्य चलने लगे। वो सभी अपने उस पाप को याद करने लगे। कुछ दिन पहले चंपा एक बहुत गरीब विधवा स्त्री थी। 1 महीने पहले ही उसके पति का बीमारी से निधन हो चुका था। चंपा की 5 वर्षीय बेटी आरती भूख से निढाल होकर अपनी माँ से बोली, माँ मुझे बहुत भूख लगी है। चिंता मत कर मेरी बेटी, मैं अभी बाहर से कुछ खाने को लेकर आती हूँ। माँ, पिताजी पहले रोज शाम को भोजन लाते थे मगर वो भी काफी दिनों से घर नहीं आए। ये सुनकर चंपा रोते हुए बोली, वो बहुत दूर चले गए हैं बेटी। चंपा अपने पड़ोस में रामलाल के घर जाकर रामलाल से बोली, मैं और मेरी बेटी 2 दिन से भूखे हैं। रामलाल चंपा को देखकर क्रोधित होते हुए बोला, राम 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 राम, सुबह सुबह एक विधवा का चेहरा देख लिया, अरे तेरी बेटी भूखे है तो मैं क्या करूं? अब जा यहाँ से। चंपा बेचारी रोती हुई दीनू के घर पर चली गई। चंपा, तुझसे कितनी बार कहा है कि अपनी सूरत लेकर मेरे सामने मत आया कर। चंपा गांव का हर दरवाजा खटखटाने लगी मगर किसी ने भी चंपा की मदद करने से इनकार कर दिया। थक हार कर चंपा निराश होकर घर पर आ गई। माँ क्या हुआ, भूख से मेरा दम निकला जा रहा है। चिंता मत कर बेटी, आज तू पानी से पेट भर ले, कल मैं तेरे लिए जरूर कुछ खाने को ले आऊंगी। लेकिन माँ घर में पानी भी नहीं है। चंपा बेचारी बाल्टी उठाकर कुएं की ओर चल पड़ी। उसने कुएं में बाल्टी डाली ही थी कि तभी गांव का दबंग व्यक्ति बिरजू चंपा से बोला, चंपा यहाँ से पानी ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये कैसे बातें कर रहे हैं आप,
ये कुआं गांव का है और गांव वाले इसकी मरम्मत में पैसे खर्च करते हैं। तू ठहरी भिखारन, एक रुपया तो खर्च करती नहीं, चल निकल यहाँ से। चंपा बेचारी दूसरे कुएं के पास चली गई, मगर वहाँ भी बिरजू पहुँच गया और उसे पानी नहीं भरने दिया। चंपा थक हार कर अपने घर चली गई। घर पर जाकर उसने देखा कि उसकी बेटी भूख से दम तोड़ चुकी थी। मेरी बेटी, आंखें खोल, तेरे बगैर मैं कैसे जीऊंगी? हे भगवान, इतने निर्दयी गांव वाले मैंने अपने जीवन में नहीं देखे। चंपा अपनी बेटी की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने भी वही दम तोड़ दिया। साधु गांव वालों की ओर देखकर बोला, अपना वो पाप याद आया? तुम सब उसी पाप के कर्मों की सजा भोगत रहे हो। हमें माफ कर दो। माफी मुझसे नहीं, बल्कि गर्भवती चंपा और उसकी बेटी आरती से मांगो। इतना बोलकर साधु ने अपने झोले से सिंदूर निकालकर सामने फेंक दिया। अचानक वो सिंदूर रंग बिरंगी किरणों के साथ चमकने लगा। चंपा और आरती की आत्मा गांव वालों के सामने आ गई। चंपा की आत्मा क्रोधित होकर बोली, साधु महाराज, मैं सारे गांव वालों को खत्म कर दूंगी। गांव वालों ने मुझे और मेरी बेटी को भूखा प्यासा तड़पा तड़पा कर मार डाला। अरे दो निवाले तो बहुत दूर, इन गांव वालों ने कुएं से पानी तक नहीं लेने दिया। आज भी मेरी और मेरी बेटी की लाशें मेरे घर में पड़ी हुई हैं। इन गांव वालों ने देखना तक गंवारा नहीं समझा कि मैं और मेरी बेटी कहां गए। तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है चंपा, लेकिन अगर तू भी इनके साथ ऐसे ही व्यवहार करेगी तो तुम में और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? शायद आप सही कह रहे हैं, मैं इन गांव वालों को कभी माफ तो नहीं कर सकती, लेकिन सिर्फ आपकी खातिर इन सबको जीवित छोड़ रही हूँ। इनके कर्मों की सजा ईश्वर जरूर देगा। इतना कहकर चंपा और उसकी बेटी की आत्मा वहाँ से गायब हो गई। गांव में सब कुछ सही हो चुका था, मगर गांव वालों को आज भी अपने उस पाप का पछतावा होता है। कृष्णनगर राज्य पर इन दिनों ऐसा लगता था कि किसी बुरी ताकत की नजर पड़ गई है। इन दिनों कभी भी कहीं भी अचानक से आग लग जाती थी और फिर सब कुछ जलकर खाक हो जाता। उसके बाद वो आग अपने आप पहले बुझती और फिर गायब भी हो जाती थी। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। अरे दिनकर भाई, अरे क्या बताऊँ, मैं तो लूट गया, बर्बाद हो गया। कल पूरी की पूरी फसल में आग लग गई, सब बर्बाद हो गया मेरा, अब कैसे घर चलाऊंगा? भाई अब मैं क्या कहूँ तुम्हें, मेरा तो पूरा घर उस आग में जलकर खत्म हो गया। मैं तो पिछले कई दिनों से सड़क पर ही रह रहा हूँ। दिनकर, हमें अपने राजा विक्रम सिंह के पास जाना होगा, अब वही इस मुसीबत का कोई हल निकालेंगे। दिनकर और मोहन समेत राज्य के कई लोग राजा विक्रम सिंह से मिलने गए। विक्रम सिंह खुद इस आफत के कारण परेशान था, क्योंकि महल में भी कई बार आग लग चुकी थी, उनके भी कई कीमती सामान जलकर खाक हो गए थे। देखिए, प्रजा की चिंता राजा की चिंता है। मैं खुद पिछले कई दिनों से इस मुसीबत से पार पाने की सोच रहा हूँ, लेकिन ये एक ऐसी मुसीबत है जिससे कैसे निपटा जाए वो हमें समझ नहीं आ रहा है। महाराज, अगर ऐसा होता रहा तो हमें इस राज्य को छोड़कर जाना होगा। इस राज्य को छोड़कर कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं, क्योंकि अगर तुम लोग यहाँ से बाहर जाने की सोचोगे तो वो आग तुम लोगों को झुलसा देगी। अभी तक उस आग ने लोगों को नहीं मारा है, लेकिन अगर कोई भी राज्य के बाहर जाएगा तो वो आग उसे जलाकर खाक कर देगी। जानते हो ये क्यों हो रहा है? अरे तुम लोगों ने जो बोया है वो तो काटना होगा ही। राजगुरु की ये बात सुनकर पूरे महल में खामोशी सी छा गई। राजगुरु, ये आप क्या कह रहे हैं? राजन, हमारे राज्य पर देवी माँ का क्रोध टूटा है, और माँ के क्रोध से हमें माँ का ही एक भक्त बचा सकता है। माँ का भक्त? कौन है वो भक्त राजगुरु? हम स्वयं उसके पास जाएंगे और उसके पैरों में गिरकर राज्य को इस संकट से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करेंगे। गोपी नाम है उसका। गोपी? ये नाम तो कुछ सुना सुना सा लग रहा है। हाँ, ये वही गोपी है जिसे उसकी उस गलती की सजा मिली जो उसने की भी नहीं थी।
गोपी नाम का एक गरीब चरवाहा रहता था। उसके माता पिता का किसी को पता नहीं था, क्योंकि जब वो बहुत छोटा था तब वो एक मंदिर के बाहर सुलोचना को रोते हुए मिला था। अरे ये बच्चा किसका है, कितना छोटा है ये, इसे यहाँ इस तरह कौन छोड़कर चला गया। सुलोचना ने इधर उधर देखा लेकिन उस बच्चे के आसपास उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो उस बच्चे को घर ले आई। सुलोचना बहुत ही धार्मिक औरत थी, उसकी कोई औलाद नहीं थी इसलिए उसने अपने बेटे की तरह उसे पाला। लेकिन जब गोपी 13 साल का था तो एक दिन सुलोचना की भी मौत हो गई। वो बेचारा एक बार फिर से अनाथ हो गया। सुलोचना के जाने के बाद उसने ही सुलोचना की भेड़ और बकरियों की जिम्मेदारी उठा ली। वो उसे हर दिन चराने ले जाता। देख इधर उधर मत जाना, मेरे साथ ही रहना, आगे नदी है ना, समझी, चल 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 चल। गोपी की भेड़ और बकरियां उसकी बात बहुत अच्छे से सुनती थी, वो भी उनका बहुत ख्याल रखता था। गोपी बहुत ही सीधा और ईमानदार लड़का था। उसका गुजारा बकरी के दूध और भेड़ों के ऊन से किसी तरह चलता था, लेकिन वो खुश रहता था। लेकिन एक कसाई की नजर उसकी भेड़ और बकरियों पर थी, वो किसी तरह उसे हासिल करना चाहता था। उसने एक दो बार उसकी बकरियों और भेड़ों को चोरी करने की कोशिश की लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। पता नहीं इसने अपनी भेड़ों और बकरियों पर कौन सा जादू कर दिया है, ये तो किसी भी लालच में नहीं आती, मुझे कुछ और ही उपाय करना होगा। कसाई ने दुर्गा मंदिर के पुजारी को लालच देकर गोपी को फंसाने की एक योजना बनाई। गोपी हर शाम अपनी भेड़ों और बकरियों को चराकर दुर्गा मंदिर जरूर आता था और मंदिर में काफी देर बैठता और दुर्गा की प्रतिमा को एकटक देखता, उनसे ढेर सारी बातें करता। कभी मंदिर के प्रांगण से फूल तोड़कर उनके चरणों में अर्पित करता तो कभी बकरी के दूध की कमाई से कुछ फल खरीदकर माँ को चढ़ाता। उसे लगता था सुलोचना के जाने के बाद दुर्गा माँ ही उसकी बातों को सुनती है, उसे समझती है। उस शाम को भी वो मंदिर में बैठा हुआ था, तभी पुजारी जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे चोरी हो गए भाई, चोरी हो गए, माता के आभूषण चोरी हो गए। मंदिर में उस समय गोपी अकेला था इसलिए पुजारी ने चोरी का इल्जाम उस पर लगा दिया और फिर चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा कर लिया। अरे पुजारी जी ये आप क्या कह रहे हैं, मैं तो अभी अभी आया हूँ, मैंने कोई चोरी नहीं की और वो भी माता के आभूषण की। नहीं पुजारी जी नहीं, मैं ऐसा पाप नहीं कर सकता, वो मेरी माता है। देख सीधा बनने का नाटक मत कर और सीधे सीधे बता दे कि आभूषण कहाँ है। अरे ये ऐसे नहीं बोलेगा, इसे राजा के पास ले चलो। अब गोपी को क्या पता कि वो किस तरह साजिश का शिकार हो गया, उसे राजा के पास ले जाया गया। पुजारी कसाई और लोगों ने गोपी को दोषी ठहराया, वो राजा के सामने गिड़गिड़ाता रहा लेकिन राजा ने उसे 100 बेत मारने की सजा दी। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे मत मारो। गोपी को राज्य के नियमानुसार राज्य से निकाल भी दिया गया, बिना किसी गलती की सजा गोपी को मिल गई। उसके जाने के बाद कसाई ने गोपी की सारी भेड़े और बकरियां ले ली और उनका मांस बेचकर बहुत सारे पैसे कमाए। उधर गोपी दूसरे राज्य तो चला गया लेकिन उसे अपने भेड़ बकरियों की याद बहुत आती। एक दिन वो छिपकर फिर से कृष्ण नगर आया और यहाँ आकर जब उसे पता लगा कि उसकी सारी भेड़ बकरियां मर गई हैं तो मेरी बिना गलती के मुझे सजा मिली, मेरी भेड़ बकरियों को सजा मिली, अब मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। दुर्गा मंदिर में दुर्गा माँ से ये शिकायत करके गोपी ने आत्महत्या करने की ठानी और पहाड़ी पर चला गया। वो एक पहाड़ी से नीचे कूदने ही वाला था कि एक ऋषि ने उसे देख लिया और उसकी जान बचाई। आत्महत्या पाप है बेटा, तुम ये भूल मत करो। मुझे जिंदा नहीं रहना, मेरा सब कुछ खो गया है, कृपया करके मुझे मरने दीजिए, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना। ऋषि ने गोपी को बहुत समझाया, गोपी समझ भी गया लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहना चाहता था। देखिए मैं आपकी बात मानकर आत्महत्या नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं इस धरती पर रहा तो पल पल मरूंगा, मुझे आप इस धरती से दूर भेज दीजिए। धरती से दूर, लेकिन कहाँ बेटा? कहीं भी लेकिन यहाँ नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें अपनी शक्ति से चांद पर भेज देता हूँ, अब तुम वहीं रहना। ऋषि ने आंखें बंद कर मंत्र का जाप शुरू किया। उनके मंत्रों की शक्ति से एक यान वहाँ प्रकट हुआ, गोपी उसमें बैठकर चांद की ओर चला गया। उस दिन के बाद से गरीब गोपी चांद पर ही घर बनाकर रहने लगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि गरीब असहाय पर किया गया अन्याय एक न एक दिन भोगना पड़ता है।
माता के भक्त को उस राज्य के लोगों ने तंग किया था, इसलिए माता के क्रोध का कहर उस राज्य के लोगों पर उतरने लगा। ये तो घोर अनर्थ हो गया राजगुरु, हमसे घोर अनर्थ। इसीलिए ही तो माँ का कहर इस राज्य पर बरस रहा है। लेकिन लेकिन इस कहर से कैसे मुक्ति मिलेगी राजगुरु? हमें गोपी को फिर से यहाँ लाना होगा, यहाँ धरती पर, और वो ही माँ दुर्गा से प्रार्थना करेगा, तभी सारी चीजें फिर से सामान्य होंगी। लेकिन चांद पर हम जाएंगे कैसे? चांद पर जाने का मार्ग तुम्हें उसी ऋषि से मिलेगी जिसने गोपी को चांद पर भेजा है। ये चिट्ठी है, वो ऋषि मेरे मित्र है, तुम उन्हें ये चिट्ठी दे देना। और एक बात राजन, चांद पर पहुंचकर आपको गोपी को वापस लाने के लिए मनाना होगा। यहाँ पर आने के बाद उसे भेड़ और बकरियां फिर से देनी होगी, लेकिन उसके पहले उस कसाई और पुजारी को कठोर से कठोर सजा भी मिलनी चाहिए। राजा ने कसाई और पुजारी को कठोर कारावास की सजा दी और फिर उसके बाद राजगुरु से वो चिट्ठी लेकर काली पहाड़ी के वन की ओर निकल पड़ा। वहाँ पर वो ऋषि उसे मिले, उसने वो चिट्ठी ऋषि को दे दी। ऋषि ने मंत्र का जाप शुरू कर दिया। ओम चंद्र देवाय नमः, ओम चंद्र देवाय नमः, ओम चंद्र देवाय नमः, ओम चंद्र देवाय नमः। 108 बार जाप करने के बाद एक यान वहाँ फिर से प्रकट हो गया। राजा उस यान पर सवार हो गया। ऋषि ने वो मंत्र राजा को भी बता दिया क्योंकि उन्हें गोपी को लेकर लौटना भी था। यान में उड़ते हुए राजा चांद पर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने देखा कि गोपी चुपचाप उदास सा बैठा हुआ है। राजा विक्रम सिंह गोपी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। गोपी ने जब राजा को अपने सामने देखा तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने अपना मुंह फेर लिया। तब राजा ने कहा, हमें माफ कर दो गोपी, हमें माफ कर दो, हमें सारी असलियत का पता चल गया है, हमने दोषियों को सजा भी दे दी है। महाराज, इस सजा से मेरी मासूम भेड़ बकरियां वापस आएंगी क्या? मैंने जो अपमान सहा, कोड़ों की मार सही, क्या वो दर्द वापस होगा? गोपी, उसी की सजा तो पूरा राज्य भुगत रहा है, और अगर तुम मेरे साथ धरती पर वापस नहीं गए तो सब खत्म हो जाएगा। उसके बाद विक्रम सिंह ने गोपी को सारी बातें बताई। ये सब सुनकर गोपी बहुत चिंतित हो गया। उसे अपने राज्य के लोगों की फिक्र होने लगी। वो उसी समय राजा के साथ धरती पर जाने के लिए तैयार हो गया। राजा ने एक बार फिर से मंत्र पढ़ा और एक बार फिर से वहाँ पर यान प्रकट हो गया। वे दोनों उस पर सवार होकर धरती पर आ गए। गोपी तुरंत दुर्गा मंदिर गया और माता के सामने हाथ जोड़कर रोने लगा। माँ, दया कर, माँ दया कर, दया कर इस राज्य के लोगों पर, अपना क्रोध वापस ले ले माँ, अपना क्रोध वापस ले ले। गोपी के कहने पर मंदिर की मूर्ति से एक ज्योति प्रकट हुई और फिर वो ज्योति बादल में बदल गई और पूरे राज्य में वर्षा होने लगी। लेकिन वर्षा की ये बूंदे नीले रंग की थी। माँ दुर्गा ने अपना क्रोध वापस ले लिया। जिनकी फसलें जल गई थी, जिनके घर जल गए थे, सभी वापस हो गए। गोपी अब धरती पर ही रहने लगा। राजा ने उसे नई भेड़ें और बकरियां भी दी। गोपी अभी भी हर दिन अपनी भेड़ों को चराकर माता के मंदिर में जाता है और उनसे ढेर सारी बातें करता है। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप सभी इस वीडियो पर अपनी माँ की लंबी आयु के लिए कमेंट में आई लव माँ जरूर लिखें। दुर्गा माँ जरूर आपकी इच्छा पूरी करेंगी। और हाँ, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।